ऑल वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बहुत दिन बाद एक वीडियो लेके आई हूँ आपके पास, और ये जो वीडियो है ये मॉनसून को लेके हैं। मॉनसून से पहले हम सभी घर के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं, मैंने भी ली है, और आज की वीडियो कुछ इसी को लेके ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, मैंने क्या क्या किया है अपने घर पे। ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही शूट किया है, लेकिन पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। सो फिर चलिए देखते हैं। तो ये जो ग्रास कारपेट है ये सिंगल पीस में थे और काफ़ी बड़ी थी। सो मैंने क्या किया, इसको चार छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है। और ये करने से क्या होता है कि ये आपको वॉश करने में इजी हो जाते हैं, या रेनी सीजन है तो अगर वो ये भीग जाते हैं तो इसे सुखाने में भी बहुत इजी हो जाता है, फ्लोर भी क्लीन करने में इजी होता है। सो इसीलिए मैंने इसको ऐसे 4 पीसेस में कट कर लिया है, जो कि मुझे बहुत ही ईजी पड़ रहा है अभी। और ये जो क्लॉथ पुली है ये लास्ट ईयर मैंने मॉनसून के बाद इंस्टॉल किया था। आई विश कि मैं मॉनसून से पहले किया होता, क्योंकि लास्ट ईयर बैंगलोर का मॉनसून बहुत ही ख़राब था। तो ये बहुत ही इजी होता है आपके लिए, और अगर बारिश भी हो रही है बाहर तो पुली अगर रहता है तो आपके कपड़े ड्राई रहता है, ऑलमोस्ट भीगती नहीं है। तो मेरा एक वुडन प्लांट स्टैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइल्स ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिले, और थोड़ा सा वो जो मिट्टी गिर के एक हो जाता है ना, वो ये साफ़ करने में इजी होता है। ये मेरे पास टाइल्स, किचन के टाइल्स, मैंने एक बॉक्स एक्स्ट्रा लगा के ऐसे मंगवा के रखा था, तो वही मैंने यूज़ किया इस तरीके से। और अभी जो देख रहे हैं ये मेरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये वुडन है, तो ये टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक पॉलीथीन शीट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अमेज़न से लिया है, बहुत ही ये इजीली अवेलेबल है, ये मेरे पास ऑलरेडी थी। तो थोड़ी बहुत बारिश के छींटे से ये आपको प्रोटेक्शन देती है। ये जो टॉवल्स हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, तो ये टॉवल्स को मैंने अच्छी तरह से ड्राई करके, वॉश करके ड्राई करके मैं रख दे रही हूँ वार्डरोब में। उसके बदले मैं लाइट वेट जो कॉटन का टॉवल्स होता है वो यूज़ कर रही हूँ टॉयलेट में, बिकॉज एक मस्टी सा स्मेल आता है रेनी सीजन में, सूखता नहीं है ठीक से, ड्राई नहीं होता है, इसीलिए इस तरीके की टॉवल आप यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन टॉयलेट में प्रॉपर हो ये आप ज़रूर इंश्योर कीजिए। अगर आपकी फ्रेश एयर फैन है वो चला के रखिए, और जो फ्रेशनर होते हैं उसके बदले में मैं डिओडोरेंट यूज़ करती हूँ। बिलीव मी, अगर आप डिओडोरेंट यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्मेल होता है वो बहुत देर तक टिकता है। डोरमैट ज़रूर यूज़ कीजिए सिंक के नीचे, वो आपके टॉयलेट को ड्राई रखने में हेल्प करता है। वाइपर भी यूज़ कीजिए आफ्टर बेदिंग, क्योंकि ऐसे ही रेनी सीजन में अच्छा नहीं लगता है वेट वाला टॉयलेट, तो क्रिस्प टॉयलेट बहुत अच्छा लगता है। अभी जो मैं कर रही हूँ, मेरा जो क्विल्ट है जो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे, क्योंकि एसी यूज़ कर रहे थे इसीलिए ये वाला क्विल्ट चाहिए होता है यहाँ पे, तो ये मैंने उठा के रख दिया है। और इसके बदले में मैं दोहार यूज़ करूँगी। तो मैं रेनी सीज़न में क्या करती हूँ, सबके लिए सिंगल सिंगल दोहार यूज़ करती हूँ, डबल नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी धूप आती है, धूप दिखाने की बहुत ज़रूरत होती है रेनी सीज़न में, दोहार हो आपकी कुछ भी हो, सो ये इजी रहता है अगर सिंगल सिंगल में होता है। बेड को बहुत टाइडी और क्रिस्प रखिए, नहीं तो विजुअल क्लटर हो जाता है एक, तो बेड अगर आपकी टाइडी रहता है तो वो एक विजुअल क्लटर नहीं क्रिएट करता है। मेरी जो इंडोर प्लांट्स थे, तो पोथोस को छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स लास्ट ईयर वो सारे ख़राब हो गए थे, तो इस बार रेनी सीजन से पहले ही मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, जितने भी इंडोर प्लांट्स थे। और 2 स्पेसिफिकली प्लांट्स मैंने ऐसे लैम्प शेड के जस्ट पास रखा है, यहाँ से जो आर्टिफिशियल लाइट आती है तो अच्छी तरह से इसकी जो नीड है वो पूरी हो जाती है। और जीजी प्लांट बहुत ही टफ है वो, और पोथोस भी ठीक ठाक रहता है, थोड़ा सा कम लाइट भी हो जाए, तो उसे ही मैंने रखा है। बाकी सारे जगह पे मैंने इस तरीके की आर्टिफिशियल प्लांट्स रखा है, तो इससे क्या होता है कि ग्रीनरी भी क्रिएट होती है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये अच्छे क्वालिटी की प्लांट्स आपको मिल जाते हैं आइकिया से, मेरे ये सारे आइकिया के ही है। अब जो हैक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही यूज़फुल है, ये बेसिकली कैम्फर है। तो किचन में आपकी जो जितने भी कैबिनेट्स हैं सारी जगह में आप इस तरीके से दे दीजिए, और आफ्टर 15 डेज फिर से आपको डालना पड़ता है, क्योंकि ये तो वोलाटाइल है तो उड़ जाता है, तो फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है।
तो कॉकरोच का जो इन्फेस्टेशन है वो बिल्कुल कम हो चुका है मेरा, 90% तक कम हो गया है। मैंने टॉयलेट में भी रखा है, बहुत ही यूज़फुल एक हैक है, आप ज़रूर ये वाला ट्राई कीजिए। और इसका एक अच्छा सा स्मेल भी आता है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। लास्ट समर मैंने कुछ इस तरीके से एक पेस्टल लुक दिया था मेरी लिविंग रूम को, तो अब बारी है एक थोड़ा सा ब्राइट एक कलर मैं ऐड करूं, क्योंकि मॉनसून बहुत डल है, तो इस टाइम में थोड़ा सा कलर अगर आप ऐड करते हैं आपकी डेकोरेशन में तो एक मूड लिफ्ट होता है। और स्पेसिफिकली ये जो रग मैंने ये लगाया था समर में, तो इसमें डिटेलिंग है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं बोहो रग है, तो इस रेनी सीजन में तो ये बिल्कुल नहीं चलता है, ये ह्यूमिड है बहुत ही वेदर, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉइल्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक सिंपल वाला लाइट वाला रग मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ी सी ऊपर से आप अगर ब्रूमिंग कर लेते हो तो उससे हो जाता है, ऐसे एक रग है। तो ये मैंने यूजुअली मैं यूज़ वही इस टाइम में यूज़ करती हूँ, विंटर के टाइम रेनी सीजन के में यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छे हैं। सो यही मैंने यूज़ किया है। सोफ़ा में मैं ये लाइट वाला प्रोटेक्टर लगा रही हूँ, क्योंकि रेनी सीज़न है ऑलरेडी ना, क्या होता है बहुत ज़्यादा अगर आप डेकोर ऐड करते हो तो घर बहुत क्लटर दिखता है, तो इसीलिए जितना मिनिमलाइज है वो मैं करना चाहती हूँ, मिनिमलिस्टिक एक लुक देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट दो कुशन ऐड किए हैं, लेकिन ब्राइट कुशन ऐड किया है, लेकिन बस दो ही ऐड किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्लोरल मोटिफ है, तो एक एक ब्राइट फीलिंग दे रहा है। अब जो सेंटर टेबल है ये भी मैं चेंज करूँगी, यहाँ पे एक मॉनसून वाला रनर मैं दूँगी, काफ़ी अच्छा लगता है, ये रनर मेरा बहुत फेवरेट है, फैब इंडिया से है। और सेंटर टेबल में मैंने बहुत ही सिंपल रखा, मैं सिंपल ही रखती हूँ हर वक्त। और ये जो जगह है ये मेरी बहुत फेवरेट है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना अपना बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ। सो यहाँ पे एक रेड कलर का मैंने ऐड किया है जो रनर होता है, और यहाँ पे बुद्धा जी को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं डेकोरेट कर रही हूँ, एक आर्टिफिशियल प्लांट्स और उसके साथ ऐसे फेयरी लाइट, तो रेनी सीजन में फेयरी लाइट बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, है ना। और कुछ इस तरीके से सजा लिया तो काफ़ी ब्राइट लग रही है। डाइनिंग टेबल में मैं एक टेबल क्लॉथ लगाऊंगी, तो क्या होता है कंफर्टेबल फील देता है, अगर बारिश हो रही है थोड़ा सा ह्यूमिड है, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ठंड भी लगता है एक्चुअली, विंटर के विंटर से ज़्यादा मॉनसून में यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होती है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सजाया है, और क्योंकि मॉनसून में कैंडल लाइट डिनर बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए एक वैसे ही सेटअप मैं रख रही हूँ, सिंपल सेटअप रख रही हूँ, बट सिर्फ कैंडल से ही सेटअप कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी डिनर करते हैं हम लोग इस तरीके से सारे कैंडल्स को जला के, एक अच्छा सा मूड लिफ्ट होता है। और एक चीज़ मैंने की है, ये जो बास्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर दिया है, और ये मैं टीवी कैबिनेट के ऊपर रखने वाली हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर चलिए देखते हैं ओवरऑल ये सारे अरेंजमेंट के बाद मेरी लिविंग रूम अब कैसे लग रही है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, लाइक करना. फिर से लौटेंगे और वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.